चैप्टर 19 के दूसरे हिस्से में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जिसके अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन शामिल है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे। मैं रिलेशनशिप स्टडी करना चाहती हूँ वेवलेंथ का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ का उसकी इंटेंसिटी के साथ, कि किन वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, किन पे कम होती है। इंटेंसिटी होती है बाय द वे पावर पर यूनिट एरिया। रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में क्या ख्याल था लोगों का, कि वो वेव्स की फॉर्म में होती है और जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतनी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। यानी अगर मैं ये वाला ग्राफ प्लॉट करूँ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है। स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक ब्लैक बॉडी ली। ब्लैक बॉडी कहते हैं एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो सारी वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज एमिट करती हो, क्योंकि ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी रेंज को कवर करे। तो कौन सा कलर सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है? ब्लैक कलर। तो हमने इसको ब्लैक कर दिया, और इस ऐसी बॉडी, अब ऐसी बॉडी जो एक बहुत ज़्यादा रेंज के ऊपर फ्रीक्वेंसीज एमिट करती हो उसको ब्लैक बॉडी अब कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर कोई कहे तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी रेडिएशन जिसमें पूरी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज शामिल है। ये आइडियल बॉडी नहीं थी, इसको आइडियल बनाने की कोशिश की गई जितना वो बना सकते थे इसका कलर और मटेरियल वगैरह की मदद से। खैर, इसके ऊपर तजर्बे किए गए और देखा गया कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसा कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। साइंटिस्ट बहुत खुश हुए, मगर एक वेवलेंथ जो अल्ट्रावायलेट रेंज में थी उसके बाद फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर रहे थे और इंटेंसिटी कम होना शुरू हो गई। और उन्होंने मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर ये तजर्बा करके देखा, और हर टेम्परेचर के ऊपर यही ट्रेंड था कि एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और फिर कम होना शुरू हो जाती है। इसको उन्होंने कहा अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, क्योंकि वो परेशान हो गए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट के बाद से वो उनकी थ्योरी के खिलाफ जा रही थी। कैटास्ट्रोफी मतलब डिजास्टर, कि ये क्या हो गया, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें। इस अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी को एक्सप्लेन किया मैक्स प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी के साथ, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ को एक्सप्लेन किया मैक्स प्लैंक ने एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी से, जो कि इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स की शक्ल में सफ़र नहीं करती, वेव्स नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बल्कि रेडिएशन का छोटा तरीन हिस्सा जिसको मजीद छोटा नहीं किया जा सकता एक क्वांटम कहलाता है, और क्वांटम की अंदर क्वांटम के साथ एक वेवलेंथ उसने एसोसिएट की। एक क्वांटम के अंदर उतनी एनर्जी होती है जितनी उसकी वेवलेंथ टाइम्स एक कांस्टेंट, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। यूं उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि रेडिएशन एक तरह की वेव है जिसकी वेवलेंथ भी है, मगर वो पैकेट्स में बंद है। एक तरह की वेव है जो पार्टिकल्स की तरह एक्ट करती है, मगर पार्टिकल भी नहीं है। और उसको उसने कहा कि ये क्वांटम है और इतनी उसकी एनर्जी होती है। और फिर इसकी रोशनी में उसने कहा कि जो इंटेंसिटी है, जो कि पावर पर यूनिट एरिया होता है रेडिएशन की, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और उसने एक इक्वेशन दी जो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करती थी परफेक्टली, और ये ग्राफ टेम्परेचर के साथ भी वेरी कर रहा था। मुख्तलिफ टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मगर टेम्परेचर सिर्फ वाहिद फैक्टर नहीं है और वेवलेंथ भी वाहिद फैक्टर नहीं है, दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि आप वेवलेंथ कम करेंगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। उसकी पूरी इक्वेशन थी कॉम्प्लिकेटेड, जो हमारी बुक में नहीं दी हुई, मगर वो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में कामयाब रही। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्टेंट, गैमा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट? एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप है एच टाइम्स लैम्डा, जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतनी उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। सबसे कम वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के राइट मोस्ट के ऊपर गैमा रेज में होती है, तो गैमा रेज इसका सही जवाब है। लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है, ये देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक मेटालिक प्लेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट कराई गई। तो देखा गया कि मेटालिक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स पॉप आउट हो रहे थे जिनको हम करंट की शक्ल में डिटेक्ट कर सकते थे। फिर इस तजर्बे में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की लाइट, यानी रेड लाइट, वॉयलेट लाइट,
चेंज की गई फ्रीक्वेंसीज, इंटेंसिटी लाइट की चेंज की गई, यानी पावर पर यूनिट एरिया, कितनी वॉट्स की लाइट हम दे रहे हैं, कितनी ब्राइट है या कितनी हल्की है लाइट। और फाइनली मुख्तलिफ मेटल्स चेंज करके देखा गया कि क्या फ़र्क पड़ता है। इस तजर्बे की तीन ऑब्जर्वेशंस थी। पहली ये कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जिससे नीचे इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते थे मेटालिक शीट में से, मसलन रेड लाइट के ऊपर नहीं होते थे लेकिन वॉयलेट लाइट के ऊपर होते थे। दूसरी ये ऑब्जर्वेशन थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते थे हम उनकी काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते थे, सबकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती थी इलेक्ट्रॉन्स की। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड कर रही थी, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से चेंज होती थी या फिर मेटल चेंज करने से चेंज होती थी। और तीसरी ये ऑब्जर्वेशन थी कि इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मतलब अगर आप लाइट को ब्राइट करें या हल्का करें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने हैं उतने ही होने हैं, मगर अगर आप लाइट ऑफ करते थे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते थे, ऑन करते थे तो होते थे। इसका मतलब है लाइट की वजह से होते थे मगर लाइट की इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ा था। इन चीज़ों को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं करती थी इसलिए क्योंकि वो एज्यूम करती थी कि रेडिएशन वेव्स की शक्ल में है और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करते हैं इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इस लिहाज से जब हम इंटेंसिटी ज़्यादा कर रहे थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए थे जो नहीं हो रहे थे। दूसरा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कि एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों थी और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज क्यों थी। ये तीनों चीज़ें क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं करती थी। आइंस्टाइन ने इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया मैक्स प्लैंक की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वांटम की शक्ल में होती है और एक क्वांटम की एनर्जी एच टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आइंस्टाइन ने कहा कि मेटल की प्लेट के ऊपर जब लाइट आती है तो वो क्वांटम की शक्ल में होती है। लाइट के क्वांटम को आइंस्टाइन ने फोटोन का नाम दिया। फोटोन एक खास एनर्जी जो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही होती है लेके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है और वो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस ऑर्बिट में से निकल आता है और मेटल में से पॉप आउट हो जाता है। मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए ऑर्बिट में से आज़ाद होने के लिए उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। इसीलिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जिससे नीचे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने में नहीं आ रहा था, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी दरअसल कॉरस्पॉन्ड करती थी उतनी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी के मतलब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी जब तक नहीं हो रही थी तो उस फ्रीक्वेंसी से नीचे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने में नहीं आ रहा था। दूसरी चीज़, मुख्तलिफ एनर्जीज क्यों थी, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स की जब वो पॉप आउट हो रहे थे। जो फोटोन की एनर्जी थी उसमें से वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाता था क्योंकि उसने उसको ऑर्बिट में से तो हर सूरत निकालना है, बाकी की सारी फोटोन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती थी। इसीलिए फोटोन की एनर्जीज मुख्तलिफ थी क्योंकि हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी जब चेंज होती थी तो फोटोन की एनर्जी चेंज हो जाती थी, मगर वर्क फंक्शन सब में से सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गई। इसलिए सब इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ काइनेटिक एनर्जी थी डिपेंडिंग के फ्रीक्वेंसी क्या है लाइट की। दूसरा, मेटल को चेंज करते थे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होती थी, वो इसलिए कि वर्क फंक्शन मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी, उसने क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी थी कि इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, हम लाइट को ब्राइट करें या हल्का करें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, वो इसलिए कि लाइट क्वांटम की शक्ल में है और क्वांटम की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। इंटेंसिटी चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप इंटेंसिटी को ज़्यादा करें या कम करें उसके अंदर उसके क्वांटम के अंदर जो एनर्जी है वो उतनी ही फिक्स रहेगी, इस वजह से इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के दरमियान एक नई तरह की इंटरेक्शन डिस्कवर की। उसने एक ग्रेफाइट टारगेट लिया और उसके ऊपर एक्सरेज इंसिडेंट कराए। उसने देखा कि एक्सरेज मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर स्कैटर हो जाती थी टकराने के बाद, और मजीद उसने इनकी वेवलेंथ्स मेजर की स्कैटर होने के बाद और स्कैटर होने से पहले। उसने देखा कि वेवलेंथ्स चेंज हो रही हैं जब एक्सरे टकराता है अपने टारगेट से, और जब वो वापस स्कैटर होकर जा रहा होता है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उसने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया कि
एक्सरेज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्वांटम्स की शक्ल में है, और एक क्वांटम में एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। उसने कहा कि जब एक टारगेट के वेलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन टकराता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था कि उसको नॉकआउट कर देता था, लेकिन कॉम्पटन ने कहा कि वो इसको नॉकआउट नहीं कर रहा बल्कि वो अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर रहा है। जिस तरह दो बॉल्स आपस में टकराते हैं तो एक अपनी एनर्जी कुछ दूसरे में ट्रांसफर कर देता है, इस तरह कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और बाकी की एनर्जी लेके वो स्कैटर हो जाता है। मगर एनर्जी क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तो जब एनर्जी चेंज हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। और उसने बताया कि वेवलेंथ शिफ्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसने फॉर्मूला बताया कि चेंज इन वेवलेंथ होगा बराबर एच ओवर एम सी, जो कि कांस्टेंट है, 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। थीटा वो एंगल था जिसके ऊपर एक्सरे स्कैटर हो रहा था। उसने देखा कि जो एक्सरेज बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्कैटर हो रहे थे 90 डिग्री के ऊपर, कॉस 90 क्या होता है, 1, उनके अंदर कोई शिफ्ट नहीं था, डेल्टा लैम्डा 0 था उनकी एनर्जी, उन्होंने कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं की थी। यानी जितना वो उसके पैरेलल स्कैटर होगा इलेक्ट्रॉन से स्कैटर सॉरी फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद जितना कम एंगल पे स्कैटर होगा उतना ही ज्यादा उसका वेवलेंथ कम हो जाएगी। एक और तरह की इंटरेक्शन जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैटर के साथ हो सकती है वो ये है कि रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी की यानी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जैसा कि गामा रेज को जब गुजरवाया जाता है एक ऐसे मटेरियल में से जिसका एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो फोटॉन मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी रेडिएशन जो कि एनर्जी है मैटर में कन्वर्ट हो जाती है इस इक्वेशन के मुताबिक। तो गामा रेज में जब इतनी एनर्जी होती है कि वो उसको मास में कन्वर्ट किया जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मास के बराबर बनता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है, साइन ऑपोजिट होता है, मास सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है, और पॉजिट्रॉन के अंदर के लिए भी इतनी ही अमाउंट है। तो गामा रे का जो फोटोन है उसमें कितनी से कम एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाने के लिए, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इससे जो एक्सेस एनर्जी होगी वो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में सामने आती है। इस फिनोमेना को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। और जब भी इलेक्ट्रॉन पैदा होता है तो साथ पॉजिट्रॉन होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए जरूरी है कि दुनिया में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। जब आप नेगेटिव चार्ज क्रिएट करें तो खुद ब खुद साथ पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है इन तीन तरीकों से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देती है मैटर में से, कॉम्पटन इफेक्ट जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी ट्रांसफर करके फोटॉन्स स्कैटर हो जाते हैं, चौथा जिसमें फोटॉन्स मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब एनर्जी लो होती है इनकमिंग फोटॉन्स की 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाता है, और जब 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या इससे ज्यादा होती है तो पेयर प्रोडक्शन देखा जाता है, और जब एनर्जी इन दोनों के बीच में होती है तो कॉम्पटन इफेक्ट देखा जाता है। एनाइहिलेशन ऑफ मैटर सिंपली पेयर प्रोडक्शन का ऑपोजिट है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अगर आमने सामने लेके आया जाए तो वो फौरन से कंबाइन होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस इन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जगह दो गामा रेडिएशन के फोटॉन्स रिलीज होते हैं, और जब भी मैटर और उसका एंटी मैटर, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर पॉजिट्रॉन होता है, इस तरह कोई भी मैटर का एंटी मैटर एक दूसरे के सामने लाया जाए तो वो एनाइहिलेट हो जाता है, कंबाइन होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम एनाइहिलेशन ऑफ मैटर कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर विंड वॉज एक्सपेरिमेंटली रिजेक्टेड बाय माइकलसन एंड मॉर्ले। माइकलसन एंड मॉर्ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे ये साबित हुआ था कि स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट होती है चाहे आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर देखें। इससे पहले इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए ईथर कहा जाता था कि खला में स्पीड ऑफ लाइट खला में 3×10^8 होती थी। खला की जगह कहा जाता था कि ईथर एग्जिस्ट करता है और उसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए थी ईथर की वजह से, लेकिन जब ये साबित कर लिया माइकलसन एंड मॉर्ले ने कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो फिर ये कहा गया कि ईथर भी एग्जिस्ट नहीं करता। अ पार्टिकल हैविंग द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज कॉल्ड अ पॉजिट्रॉन।
द मास ऑफ अ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है तो उसका मास इलेक्ट्रॉन जितना होता है सिर्फ साइन ऑपोजिट होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लोग वेव समझते थे क्लासिकल एरा में, मगर मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक वो क्वांटम से मिलके बनती है. तो फिर साइंटिस्ट्स ने ये सोचा, स्पेशली डी ब्रॉली एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि अगर वेव पार्टिकल की तरह एक्ट करती है तो फिर पार्टिकल को भी वेव की तरह एक्ट करना चाहिए. और उसने कहा कि सब पार्टिकल्स, चाहे वो सब मैटर, चाहे वो कितने भी बड़े स्केल का हो, उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट की जा सकती है, मगर नॉर्मल स्केल पे जो हमारा मीटर्स में स्केल होता है उसके अंदर वो वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनका मास बहुत छोटा होता है, फिर उन पार्टिकल्स की वेव लाइक प्रॉपर्टीज नजर आना शुरू हो जाती है. यानी सब मैटर पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है और वेव की तरह भी एक्ट करता है. इसको वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं. और इसको एक तजुर्बे से भी साबित किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं, उनको देखा गया कि क्या वो वेव्स की तरह एक्ट करते हैं. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर किया गया, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है. जब लाइट को दो स्लिट्स में से गुजारा जाता है तो वो डायफ्रेक्शन पैटर्न देती है जो कि सिर्फ वेव्स दे सकती हैं. यहाँ पर हमें एक फ्रिंज नजर आती है. इलेक्ट्रॉन्स को दो सोर्सेस से इलेक्ट्रॉन्स लिए गए और उनको लाइट की तरह बम्बार्ड किया गया एक डबल स्लिट के ऊपर. तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं, उनको तो स्ट्रेट जाना चाहिए, मगर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स का भी डायफ्रेक्शन पैटर्न होता है. वो पार्टिकल्स इस तरह पड़ते हैं स्क्रीन के ऊपर कि अल्टीमेटली वो एक डायफ्रेक्शन पैटर्न बनाते हैं. यानी साबित हो गया कि पार्टिकल्स भी वेव्स की तरह एक्ट करते हैं जब वो छोटे स्केल के ऊपर होते हैं. इस प्रिंसिपल को कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. Modern physical theory indicates that only charged particle exhibit wave behavior, only moving particle exhibit wave behavior, या all particle exhibit wave behavior, या only uncharged particle exhibit wave behavior. तो wave particle duality हमें ये बताती है कि waves particles की तरह भी act करती हैं और particles waves की तरह act करते हैं, और उसमें ये कोई condition नहीं है कि वो move कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम option C को सही कर सकते हैं. फर्स्ट करें, हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और मैं इसकी पोजीशन फाइंड करना चाहती हूँ x और मोमेंटम फाइंड करना चाहती हूँ p. पोजीशन में अनसर्टेनिटी आती है डेल्टा x और मोमेंटम में डेल्टा p. अनसर्टेनिटी क्या होती है? अगर रीडिंग 5 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी के साथ, तो इसका मतलब होता है 5.1 भी हो सकता है या 4.9 भी हो सकता है. तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है पोजिशन और मोमेंटम में. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें सिर्फ ये बताता है कि इन दोनों अनसर्टेनिटीज का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है h ओवर 2 पाई. कांस्टेंट होने का मतलब होता है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं. अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी. यानी एक वक्त में या अच्छे तरीके से पोजीशन की मेजरमेंट ली जा सकती है या मोमेंटम की. और ये होता इसलिए कि सब चीज़ें वेव और पार्टिकल दोनों तरह एक्ट करती हैं, यानी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की वजह से. जिन चीज़ों में हम उनको पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं या जिन एक्सपेरिमेंट्स में वो पार्टिकल की तरह एक्ट करती हैं, उसमें हम उनकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. और अगर हम उनको वेव्स के तौर पे लें तो हम उनका मोमेंटम तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वेव एक जगह पे कन्फाइंड नहीं होती, वेव की पोजीशन फाइंड करना मुश्किल होता है. तो चूंकि पार्टिकल्स वेव और पार्टिकल दोनों की तरह एक्ट करते हैं, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का एक नतीजा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और इसकी एक और फॉर्म है एनर्जी, किसी पार्टिकल की एनर्जी के अंदर जो अनसर्टेनिटी है और उसके टाइम जिस वक्त वो एनर्जी मेजर की गई वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, और ये बराबर होती है एच ओवर 2 पाई के. ये वाली एच ओवर 4 पाई के बराबर होती है, सॉरी, और ये वाली एच ओवर 2 पाई के बराबर होती है. इसका मतलब होता है कि आप या ये बता सकते हैं कि पार्टिकल में कितनी एनर्जी थी, या आप ये बता सकते हैं कि किस वक्त उतनी एनर्जी थी. दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बता सकते. मैं ये कहूँ कि एक पार्टिकल में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, मगर मैं ये नहीं बता सकूंगी कि किस वक्त थी, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकूंगी, इसका ये मतलब है. और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक और फॉर्म है.